भाई, हार्डली स्केर्सली के साथ जोड़ी बनती है वेना बिफोर की, नो सोना के साथ जोड़ी बनेगी डैन की, लिस्ट के साथ जोड़ी बनती है शुड की। मतलब ये पेयर्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है किस पेयर के साथ क्या लगेगा। अगर कुछ और आपने इधर उधर पेयर लगाया तो गलत हो जाएगा। हार्डली स्केर्सली वेना बिफोर, नो सोना के साथ डैन, लिस्ट के साथ शुड, दो आदमियों के साथ यड या कॉमा, एल्स के साथ बट, द रीजन इज या द रीजन वाई के साथ दैट, बिकॉज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर हो जाएगा। अदर या रादर के साथ देन आएगा, वेदर और या और नॉट, ठीक है। मतलब या यू कहा और या और नॉट के साथ वेदर आएगा। मैं इधर की बात करूं, दैट नहीं आएगा या इफ नहीं आएगा। अगो के साथ दैट आएगा, अगो आया तो दैट आएगा। अर्श खान कह रहे कि वॉल्यूम क्लियर नहीं है वॉइस। अर्श खान ऐसा है क्या, वॉइस क्लियर नहीं है? बाकी लोगों को कैसा लग रहा, वॉइस क्लियर है बाकी लोग? बेटे अर्श, आपके यहाँ लग रहा नेटवर्क का इश्यू कुछ है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आप एक बार ना हो तो थोड़ा सा बैग जाके फिर वापस ज्वाइन कर लो, क्या पता ठीक हो जाए। बिकॉज अदरवाइज एवरीबडी सेइंग कि एवरीथिंग इज फाइन। अभी अभिराग, अभिराग बेटे चैट फैकल्टी पे मैसेज करो, चैट फैकल्टी पे। पेयर्स के आधार पे आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो आपने। सो होप यू मस्ट हैव डन। हार्डली हैड ही एंटर द रूम, यहाँ पे देन के बदले आएगा वेन। वेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, हार्डली हैड ही एंटर द रूम, वेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सुना डिड ही एंटर द रूम बट द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सुना के साथ जोड़ी बन जाएगी देन की, बट हटा के यहाँ पे करो दैट। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं भाई, सागर पसेरा।
आनंदपाल, ये कौन कंजंक्शन, मतलब समझा नहीं आपकी बात, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस टाइप के, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजंक्शन के टाइप जान के कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन ना रहे। आ जाओ, तो हार्डली हैड ही एंटर द रूम व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। Though he is very fat, yet though he is very fat, yet he runs very fast. It is nothing else than pride. It is nothing else but pride. I don't know whether he likes me or not. I don't know whether he likes me or not. He seldom or ever comes here. He seldom or never. He seldom or never comes here. The reason why she is late, the reason के साथ क्या लगता है, हमेशा that लगता है, because कभी नहीं लगेगा। आप यहां से बिकॉज को हटा के यहां पे क्या करेंगे, दैट करेंगे। द रीजन व्हाई शी इज लेट इज दैट इट वाज रेनिंग। द रीजन व्हाई शी इज लेट इज दैट इट वाज रेनिंग। बताओ भाई यहां तक डन, क्लियर? अगला आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर टू। कॉन्सेप्ट नंबर टू पे आता है, ईदर के साथ जोड़ी बननी है और की, नीदर नॉर की, नॉट ओनली बट ऑल्सो की, और बोथ एंड की, इसे कहते हैं कोरिलेटेड कंजंक्शंस। अभी जो हमने पढ़ा देवर बेसिकली कंजंक्शंस विच आर फॉर्म इन पेयर। There are very few student, नहीं बेटे students होगा अर्थ अथर, few के बाद हमेशा plural noun ही आता है, ये ध्यान रखना। तो there are very few students, students आ रहा ना के बराबर। दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग मैच करना है, है ना भाई?
दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग मैच करना है, ये खास बात आपको ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर के बाद गिव आ गया, वर्ब है, और राइस के बाद और के बाद वीट आ गया जो कि नाउन है। दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, मतलब यहाँ नहीं आना, मतलब ये गलत, पहली बात हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग मैच करना है। सेकंड मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेकंड माने हो गया और के बाद वीट, वीट हमारा सेकंड वाला, और के बाद भी जाए तो इधर के बाद भी आना चाहिए ना राइस, बीच में ये हमारे पास है गिव मी, इस गिव मी को उठा के कर दो पहले, कहा जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनली, गिव मी इधर राइस और वीट, ये हमारे पास आ रहा है, give me either rice or wheat। तो give me either rice or wheat आपके पास है ना, अगला क्या हो जाएगा भाई, मुझे दो या चावल या गेहूँ, मुझे या चावल या गेहूँ, ठीक है मानो श्रेष्ठ। अगला है नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो डिलीजेंट, नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो डिलीजेंट, तो क्या बन जाएगा, बट ऑल्सो के बाद डिलीजेंट आ गया जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, तो नॉट ओनली के बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए कि नहीं, अगर बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव आया तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए, बीच का ये जो पार्ट है ही इज यहां से उठेगा और यहां से पहले आए, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो डिलीजेंट, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो डिलीजेंट। हाँ जी कार्तिक, आपकी चैट अभी को मुझे दिखी, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परेशान करते हैं, बार बार याद रखते हैं, इनको याद रखना थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, सिंस का मतलब हो गया जब से, इधर हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट, इधर हमारे पास क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर इट इज, यदि स्टार्टिंग में हो तो इट इज रहेगा ऐसे, यदि स्टार्टिंग में हो तो इट इज, ठीक है। 10 years passed since I came here, since के साथ वी टू कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, बाकी चीज या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या
यदि स्टार्टिंग हो तो इट इज, इट हैज या इट वॉज जैसी चीजें गलत हो जाएंगी। अभी आपको देखना है कि आप यहाँ क्या करें। बच्चों बन जाएगा ये सर, 10 years have passed since I came here, 10 years have passed since I came here, ठीक है भाई। 10 साल बीत गए हैं जब से मैं यहाँ आया, वही बात है, जब से मैं यहाँ आया 10 साल बीत गए हैं। Since I 10 years, it is 10 years since I came here। अगला है, बताते जल्दी से क्या होगा सही। Lots of changes took place since I have joined this organization. Since के साथ V2 तो यहाँ पे आ जाएगा joined. और took के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा have taken. Lots of changes have taken place since I join this organization. Lots of changes took place, but they have taken place since I joined this organization. ठीक है, ध्यान से आप देखो इसको क्या है। एज इफ या एज दो मतलब होता है मानो, जैसे एज इफ एज दो के साथ V2 या वर, बाकी रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूं कहा जाए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक पार्ट है और एज इफ एज दो आगे तो जब V2 या वर्ब होगा, इसी तरीके से एज इफ एज दो यहाँ पे है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस V3। He talks as if he is my boss. He talks as if. तो आपके पास 3 sentences हैं, इसको ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो, एक बार try करो, मैं फिर चेक करता हूँ। Just try it once.
He talks as if he were my boss. He talks as if he knew everything. He talked as if, यहाँ पे past में आ चुका है, जब past में आएगा तो फिर head plus verb की third form, यहाँ पे आएगा head knew. He talked as if he had known everything. He behaves as though he is a child. He were a child. अगला दे थर्ड की हिंदी, वैसे बाप के मानो से सब कुछ पता था, वैसे बाप के मानो से सब कुछ पता था. हाँ जी, अब देखो ध्यान से आगे. एज के बाद सब्जेक्टिव केस, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, सिंपल से पढ़ना. एज आएगा तो एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है. ही सीन्स लाइक आई डू, आई सब्जेक्ट है तो लाइक के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एज आई डू. वो गाता है जैसे कि मैं गाता, तो वो मेरे जैसे गाता. He sings as me. Me object है तो क्या होगा, he sings like me. He sings like me. क्या कह रहे हो आनंदपाल, समझाने की तुम्हारी बात. बेटे वैसे तो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि एज को हम अपडेट करके लाइव में ले जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन फिलहाल अभी मैंने वही करा हुआ, इसलिए
कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ ये आपके सामने रहे कुछ क्वेश्चंस, फटाफट करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, नहीं बट जल्दी से आ जाओ, ये आपके सामने रहे कुछ क्वेश्चंस। फटाफट आप करिए, हाँ जी कर लिया सबने, थर्ड एंड फोर्थ। No sooner had he left, but it started raining. No sooner के साथ जोड़ी but की कहाँ से आ रही है? नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे? Then आ जाना चाहिए, है कि नहीं? No sooner had he left, than it started raining. He is not only famous for his wealth, but also for wisdom. बट ऑल्सो के बाद क्या आ गया? फॉर विच इज प्रेपोजिशन, तो नॉट ऑनली के बाद भी क्या आना चाहिए? प्रेपोजिशन। क्या करेंगे हम? फेमस को उठा के पहले नॉट ऑनली को यहाँ, तो इज फेमस नॉट ऑनली फॉर हिज वेल्थ बट ऑल्सो फॉर विजडम। ये देखो, अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल, until the train will not get घटाके करो, until the train gets the signal it will not run। ये पहला दूसरा छूटा था ना, कर लेते हैं। until the train gets the signal it will not run, scarcely had he slept, scarcely के साथ when आ जाएगा, scarcely had he slept when a thief broke into the house, scarcely had he slept when a thief broke into the house. Scarcely had he slept when a thief broke into the house. ठीक है ना? चलो, 5 and 6. Come on, just do it.
हो गए भाई सबके। चलो पांच और छह देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो अगो के साथ जोड़ी बनती है डैड की। सिंस हटा दिया है। इट वाज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो दैट ही रोट अ लेटर टू मी टू रिमाइंड मी ऑफ माय लैप्सस। फूल्स आर बोथ फाउंड इन एशिया एंड यूरोप। एंड के बाद यूरोप, बोथ के बाद एशिया। फाउंडिंग कर दो पहले। फूल्स आर फाउंड इन बोथ एशिया एंड यूरोप। फूल्स आर फाउंड इन बोथ एशिया एंड यूरोप। फूल्स आर फाउंड इन एशिया एंड यूरोप। रॉन्ग कौन सा है? देखो मिला, हमने कहा दूसरे वाले के हिसाब से मैच करते हैं, एंड के हिसाब से यूरोप आया, तो ये सही मान के बोथ के हिसाब से चलेंगे। बोथ के साथ भी क्या आना चाहिए? नाउन। यूरोप नाउन है तो एशिया भी नाउन, ये आना चाहिए। तो जब मैं ऐसे कर दूंगा, ध्यान से देखो, फाउंड इन, फिर मैं कर दूं यहाँ पे क्या, बोथ एशिया यूरोप। अब बोथ के बाद क्या आ गया? एशिया आ गया। एरर जो है वो बी वाले पार्ट में आना चाहिए। सिक्स का बी, फाइव का ए आ ही गया। अभी क्लियर? अर्श खान, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं 7 एंड 8। नो सूनर हैड ही आया ना, नो सूनर के बाद पहले आती हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट। हैड पहले ही बात। नो सूनर हैड ही डाइड देन हिज सन स्पायर्ड। लेट मी नो दैट यू रिटर्न और नॉट। और नॉट आ चुका है तो दैट के बदले वेदर आएगा। लेट मी नो वेदर यू विल रिटर्न और नॉट। ठीक है भाई, यहां तक 5 6 हो गया, 7 8 हो गया। आई होप डन। 5 में 8 होगा ना बेटे। अगो आ चुका है ना, आनंद पाल अगो। जोड़ी फिर से देखो एक बार। लास्ट वाला देखो, अगो के साथ दैट पास्ट। अच्छा, इज और अगो एक साथ कैसे यूज कर सकते हो, सोचो थोड़ा सा। इज और अगो कभी यूज कर सकते हो एक साथ? वही बात है, इज और अगो एक साथ नहीं है, क्योंकि अगो पास्ट की टाइमिंग को शो कर रहा है, इसलिए वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगो आया तो दैट लगाओ, कहानी खत्म करो।
9, 10, 11. He wanted nothing else. Else के साथ but आएगा. He wanted nothing else but go to sleep. But he had to finish his essay. Mrs. Varun not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. Not only but also आया. मत घबराओ. But also के बाद going, verb की ing form, not only के बाद भी ing form, तो क्या करेंगे हम? Stopped कर देंगे पहले. Mrs. Varun stopped not only coming here but also going. I would rather have the bat, not the ball. I would rather have the bat than the ball. I would rather have the bat than the ball. I would rather have the bat than the ball. Clear hai sari baat? Aa jao 12 se 15. अर्श खान ऑल इंग्लिश का रिकैप करना है, करा देंगे फिर, करा देंगे मत घबरा. Hardly had he entered the room then के बदले आएगा when. I do not know. How he is. It is very much as I expected. That does not look as if he were. यहाँ पे बोला जाएगा. ठीक है भाई, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. आप लोगों की पढ़ाई लिखाई जम के चल रही है, अब रिवीजन का दौर चल रहा है. एक बार आपने से आपसे रिवाइज कर लेना, फिर मैं एक बार मे भी अगली क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार हर उसके दिखा दूंगा. ठीक चलेगा? ओके जी, चलो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.
गुड नाइट, जय हिंद।